मैंने दूसरी शादी की तुम्हारे प्यार की वजह से। आराम से खाओ, आराम से। घूमते घूमते पेट्रोल खत्म हो गया, फिर यहाँ से मैं धक्के लगाऊंगी, फिर आप लेके चलना घिसराते हुए, मैं काट लूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो ये ना सैटरडे नाइट की क्लिप है। तो किसी को डिनर करने का मूड नहीं हो रहा था, तो सोना कह रही थी पापा हमें जो है ना आइसक्रीम दिला दीजिए, निखिल कह रहा मुझे मोमोज दिला दीजिए, सब लोग अपनी अपनी फरमाइश रख रहे थे। तो मैंने बोला मुझे आम मन कर रहा है, तो ये देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा ला दिए थे, और मेरे और अपने लिए ये ना फ्रूटी लेकर आ गए थे कि चलो हम लोग ना फ्रूटी पियेंगे। और इसी तरीके से कभी कभी मूड हो जाता है, अच्छा लगता है। तो बस यही है। और इधर देखिए मैं निखिल से कह रही हूँ बाबू मुझे अपना मोमोज थोड़ा सा दे दो, मेरी फ्रूटी ले लो। तो इस तरीके से करना पड़ता है कभी कभी ना, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए सुबह हो गई थी, इसके बाद गाइस ये देखिए सुबह उठते ही हस्बैंड चले गए थे मॉर्निंग वॉक पे, और मैं उठते ही जो है कि थोड़ा बिस्तरा जो है कि सही करती, बेडशीट वगैरह ये जो है ना मच्छरदानी हटाती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो बिना मच्छरदानी के तो नींद ही नहीं आती है। तो मच्छरदानी वगैरह सही करूँगी, सेट करूँगी सब कुछ सही से, ताकि जब भी मूड करे तो आके आराम से यहाँ पर बैठ सकूँ। और इसके बाद गाइस ये देखिए जा रही, तो अंधेरा लग रहा है लेकिन टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है कुछ, तो जो है ना कि बारिश हो रही है बाहर, तो इस वजह से जो है ना कि घर में अंधेरा सा लग रहा है, और पूरा कर्टन वगैरह लगा रहता ना तो अंधेरा ही रहता। तो ये देखिए आ गई थी मैं, निखिल को थोड़ा जगा रही हूँ, बच्चों को थोड़ा सा मतलब ना आवाज़ देना ही पड़ता है, नहीं तो ये ना फिर सोए ही रहते हैं। वैसे एक आवाज़ दे दो ना तो इनको पता होता कि नहीं उठना है अब हमें। तो ये देखिए बारिश झमाझम होए जा रही है एकदम से, अब बस मैं जाऊँगी, थोड़ा कपड़े भी लगा दूँगी, अपना धुलता रहेगा और अपना जो है कि काम भी होता रहेगा आगे का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है, और आज दिन है संडे। तो बस अभी बच्चे सभी लोग सोए हुए हैं और बारिश एकदम झमाझम हो रही है। तो 3-4 दिन से ना यहाँ का मौसम जो है ना ऐसे ही हो रखा है, रुक रुक के ना बारिश होए जा रही है, और बहुत ही अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और बस उठी हूँ, उठते ही गई हूँ ऊपर, कपड़े लगाई हूँ क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थे तो उनको धुलना था, तो इसीलिए लगा दिया है कि मौसम खुलेगा या ना खुलेगा, कपड़े धो के सुखा के ना नीचे जो है ना रस्सी बांध दूँगी, जैसे बंधा हुआ था तो फिर से वहीं पर डाल दूँगी नीचे, तो सूख जाएंगे फ़ैन के नीचे। तो यही है, तो कपड़े लगा दिया है ऊपर। तो चलिए चलती हूँ थोड़ा किचन में, अपने लिए बनाती हूँ थोड़ी सी चाय और बैठती हूँ और पीती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो आज है संडे, तो कल मंडे रहेगा, तो बच्चों का ट्यूशन क्लास भी लेना है, तो ये देखिए उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखना पड़ता है, सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि लंच करेंगे, बच्चे उठते हैं जल्दी, थोड़ी लेट ही उठते हैं, तो बस उनको नाश्ता कुछ दे दूँगी, तो अभी बहुत टाइम था। कपड़े मैंने लगा दिया था और हस्बैंड वॉक पर गए थे, बच्चे सोए थे, तो मैंने कहा लाओ इन लोगों का वर्क जो है ना रेडी करके रख देती हूँ। और बहुत मेहनत लगती है गाइस, आप कोई भी काम करो मतलब बड़े बच्चों को एक बार समझा दो तो वो कर लेते, बट छोटे बच्चों को ना थोड़ा उनको अच्छे से वर्क करके थोड़ा कलरफुल करके दिखा मतलब वर्क देना पड़ता है, ताकि बच्चे अच्छे से इंटरेस्ट लेकर मतलब वर्क करें और अच्छे से जो है ना पढ़ाई करें। तो इसके लिए जो है कि मुझे पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है, ताकि बच्चे आए तो उनको दूं और उसके बाद जल्दी जल्दी कर लें, तो फिर मैं जो है ना उनको रीडिंग करवा सकूँ और जो है ना एक्टिविटी करवा सकूँ। और ये देखिए गाइस, फिर उसके बाद ये देखिए मैं स्वीट पराठे बनाए थे, इसकी रेसिपी मैंने जो है ना शॉर्ट वीडियो में डाल दिया, बहुत टेस्टी लगता है गाइस, आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर से बनाएं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और मज़ा आ जाएगा खाकर आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देखिए डारा बन चुका है और रूमा जो है कि फैला रही है यहाँ पर सारा कपड़े, और ये देखिए हस्बैंड ला दिए हैं ये सारे फ्रूट और सब्जियाँ, तो इनको मैं ले चलती हूँ, इनको धो धा के फ्रिज में रखती हूँ और सब्जियों को सारा रख के फिर जो है कि मैं नहाऊँगी, बहुत भारी है ये, यहीं पे निकाल के रख देती हूँ फ्रेंड्स, फिर देखती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। आम लेकर आए हैं तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और ये देखिए कह रहे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है आम, तो कल मन कर रहा था बहुत ज़्यादा मैं कि लास्ट सीजन है अब ख़त्म होने वाला है, तो फिर ये लेकर आए हैं, कह रहे थोड़ा सा ही लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं खाऊँ या ना खाऊँ मतलब लेकर आएंगे कुछ, तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो ये देखिए आम है, एप्पल है, जो कि अभी अब एप्पल का सीजन आ रहा है तो अब एप्पल ही आएगा घर में, बाबू बेहोशा मेरा फेवरेट, ये सब है सारा, खीरे वगैरह हैं सारे। फ्रेंड्स सब्जियां ला दी हैं, कुछ ग्रीन सब्जियां भी ला दी हैं, भिंडी एक भी है, और इसमें है आलू और प्याज हैं, तो बस मैं इनको निकालती हूँ, खाली करती हूँ और थोड़ा सा ना भुजिया बना देती हूँ। अरे देखिए नीचे ना
छल्ले भी लाए हैं, तो ये स्वीट कॉर्न लेकर आए हैं, तो इस बार लग रहा है ना खड़ी लेकर आए, नहीं तो ऐसे ना खुला लेकर आते हैं, इसे छुड़ाया होगा, तो इनको भी उबाल देती हूँ मैं, खा लेंगे सभी लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारी मैंने अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ना धुल के अच्छे से रख दिया, तो बस ये जैसे ही सूख जाएंगे ना फिर मैं इनको ना फ्रिज में रख दूंगी, और इस तरीके से बहुत ही ईजी हो जाता है। अरे देखिए प्याज आलू सब कुछ ला देते इकट्ठा ना, तो 1 वीक आराम से चल जाता है, मतलब आलू प्याज वगैरह लहसुन अदरक तो चल ही जाता, बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं तो ये मैं जो है कि डेली 1-2 दिन छोड़ के जाती हूँ, लेकर आ जाती हूँ। और इधर लग गई थी हस्बैंड को भूख, एक्चुअली वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे, बारिश में ही गीले होते, फिर आए वो तो फिर चले गए तुरंत मंडी, तो फिर आके नहा वहाँ के बैठे थे, करे मुझे भूख लगी, तो बस मैं ना फटाफट से देखिए घीये की भुजिया बनाई, दाल रोटी और एक पराठे था, नमकीन पराठे भी बनाया था, मीठे पराठे भी बनाया था, तो ये सब जो है कि अब दे दूँगी उनको खाने के लिए। और ये हो गई है इवनिंग, तो बस यहाँ पे ये देखिए, तो मैंने कैमरा लगा दिया था और मैंने अपना काम कर रही थी, कई बाबू थोड़ा सा चाय चढ़ा दो, तो फिर ये देखिए आ रहा, देख रहा कर मम्मी रुक जाओ थोड़ा सा, मेरा फेस ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा मुंह धुल के आता, तो वो देख रहा है कि मम्मी देखो बहुत ज़्यादा इसके फेस पे ना पिम्पल्स वगैरह हो गए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मैं कि कोई बात नहीं, एक थोड़ी से जैसे ठंडा मौसम आएगा तो जो है ना ठीक हो जाएगा, तो वही अपना आ गया है और मैं बस बर्तन धुल रही हूँ, कई बाबू जरा चाय चढ़ा दो, तो निखिल इधर चाय चढ़ा रहा है, और बस इसको लेकिन बोलना पड़ता है बार बार, क्योंकि ना अभी देखो ये ना चढ़ा दिया है ना लेकिन गायब हो गया कहीं, तो इधर उधर रहता ही है, मतलब कि एक जगह खड़ा नहीं रहता है, तो फिर मैं ना देख रही हूँ इधर भी, और ये देखे देखते देखते देख रहे हैं इधर चाय भी गिरी गई आखिर में। तो बस इधर गाइस ये चाय भी चढ़ाई, इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ, और बस यही बोल दिया था बाबू छल्ली निकाल लो, तो इसको भी कढ़ाई में रख दो उबल जाएगा, मैं बता देती हूँ किस तरीके से रखना है ताकि उबल जाएगा, तो चाय पी लेंगे उसके बाद जो है ना कि ये भी खा लेंगे छल्ली भी। तो इधर देखिए इसे ही आ गए थे, तो एक कपड़े लेकर आए थे, करी आंटी ने मुझे ना धागा दे दो इस कलर का, तो मैं देखने गई थी, और इधर देखिए मेरा बर्तन उतन धुल गया, तो बस इधर मैं छल्ली अपना देख रही हूँ, निखिल इधर चाय निकाल दे। देखिए हस्बैंड का तो ये ना मतलब छुट्टी के दिन ये लोग ना बैठे रहते कि क्या मम्मी बना के दे या क्या मैं बना के दूँ, इनको ना इन लोग ना बस इंतज़ार करते कि बस कुछ बन के आ जाए अच्छे से, और बहुत मज़ा आता है इन लोगों को खाने में, और साथ ही साथ मूवी वगैरह कुछ लगा लेंगे देखने में, तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली टाइम मतलब स्पेंड करने में बहुत अच्छा, सबको ही लगता है अपनी फैमिली के साथ ना, तो यही है। तो देखिए थोड़ी मस्ती भी चल रही है, इधर सारे ध्यान से जो है ना कि मूवी देख रहे हैं हम लोग, हैं तो यहाँ मूवी चल रही है, इधर जो है कि छल्ली भी खाया जा रहा है। आराम से खाओ आराम से। इसके बाद गाइस ये देखिए हम लोग निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव कह लीजिए या जो भी इवनिंग वॉक पे निकल गए थे, तो स्कूटी पे ही मैंने बोला कि स्कूटी रोक दीजिए चलिए चलते हैं मतलब खेतों में घूम के आते हैं, तो कह रहे हैं कि चलो ऐसे ही घुमाता हूँ तुम्हें, तो यही हम लोग निकल गए थे, संडे शनिवार रहता है तो हस्बैंड एक टाइम मुझे मतलब ले ही जाते हैं घुमाने के लिए, या बच्चों को भी जिनका सुना का मूड रहता है तो ले ही जाते हैं हम लोगों को। तो ये देखिए और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना ग्रीनरी देख के ना, मतलब ऐसे स्कूटी पर ठंडी ठंडी हवा और इस तरीके से ना मतलब कभी कभी ना बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, और सभी लोग मतलब वॉक कर रहे थे, बहुत से लोग स्कूटी पर इस तरीके से घूम रहे थे देख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने भी कहा चलो हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और इधर देखिए गाइस इधर हम आ गए थे ना, इधर बहुत सारे फार्म हाउस हैं, बहुत सारे आश्रम वगैरह हैं, तो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था, बहुत सारे फार्म हाउस हैं, ख़त्म हो गया फिर यहाँ से मैं थक के लगाऊंगी, फिर आप लेके चलना घिसराते हुए फिर बाई स्कूटी को। बस गाइस ये हम लोग पैदल नहीं घूमे, स्कूटी पे ही लेकर चले गए थे, काफ़ी दूर हम निकल गए थे, फिर उधर से आते आते हमें करीबन 7 बज गया था आते आते घर पर, तो शाम हो गई थी, ये देखिए वापस जा रहे हैं, इसके बाद आ गए घर पे, तो छुट्टियां थी सभी बच्चों का, तो ये देखिए सारे छुटकू मुटकू जो है ना सब आके बैठे हुए हैं, तो कभी कभी ये सारे ही आ जाते हैं अपना खेलते हैं, खेल के अपना 1-1 घंटे घूमते हैं रहते हैं साथ में, फिर अपना जो है कि घर जाते हैं, कभी कभी इन लोग का मूड हो जाता है ना तो आते ही हैं सभी बच्चियाँ आ जाती हैं, और ये जो बाबू है इसकी दोनों बहनें हैं, तो ये तो डेली आना इन लोगों का। इधर देखिए मैं अपनी भिंडी भी काट रही हूँ मॉर्निंग की तैयारी के लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इधर मैं अपनी सब्जियां भी काट रही हूँ, डिनर रेडी हो गया, और बच्चों के साथ इस तरीके से बैठ के मैं भी थोड़ी बातें कर रही हूँ अपना। तो गाइस बस आज की ब्लॉग यहीं तक का है, ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।